हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोगों ने अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट नंबर फाइव देख लिया होगा हम लोग एक्टिविटी रेशियो पढ़ रहे थे और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को पूरा का पूरा खत्म कर चुके थे आज हम लोग एक्टिविटी रेशियो के जो बाकी पांच अदर रेशियोज हैं उनको यहाँ पे पार्ट सिक्स में खत्म करेंगे तो नेक्स्ट रेशियो है ट्रेड रिसिवेबल टर्न रेशियो आप सबको पता है ट्रेड रिसिवेबल इज द सम ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसिवेबल ट्रेड जो दो चीजें आती हैं और ठीक है अब Trade Receivable Turnover Ratio में और आते हैं, तो इसका फॉर्मूला जो है ट्रेड रिसीवेबल बनते कैसे हैं? यानी कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल ये बनते कैसे हैं जब आप उधार बेचते हो यानी कि नेट क्रेडिट सेल्स जब आप उधार बेचोगे नेट क्रेडिट सेल्स होंगी तो उससे क्या बनेगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और नीचे आता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ध्यान रखना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रिसीवे का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अब जो नेट क्रेडिट सेल्स है वो कैसे निकलेगा टोटल सेल्स और सेल्स को कहा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ध्यान रखना टोटल सेल्स जो हमारे पास है उसमें से हम क्या माइनस करेंगे कैश uh, सेल्स ठीक है कैश सेल्स और माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न ये माइनस करेंगे तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा नेट क्रेडिट सेल्स और नेट क्रेडिट सेल्स को हम लोग नेट क्रेडिट सॉरी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं नेट क्रेडिट बोल दो या क्रेडिट बोल दो एक ही बात है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है नेट तो ये जो नेट क्रेडिट सेल्स है इसको हम लोग क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कह सकते हैं एक्चुअली सेल्स का मतलब भी क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी जो आपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए काम चलाया है उस काम से जो भी रेवेन्यू आपके पास आ रहा है तो टोटल जितना भी माल बिका है उसमें से नकदी हटा दो जो कैश में बिका है वो हटा दो जो वापिस है वो हटा दो जो बचेगा वही क्या है क्लास आपका नेट क्रेडिट सेल्स तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ये ध्यान रखना ठीक है अच्छा अगर आप उधार बेचोगे अगर आप क्लास उधार बेचते हो तो कुछ ना कुछ एक समय दोगे भाई इतने टाइम पे आप पैसा लौटा देना अगर आप उधार बेचोगे तो पैसा लौटाने का टाइम भी होगा उस टाइम को बोलते हैं कलेक्शन पीरियड ध्यान रखना क्या कहते हैं कलेक्शन पीरियड तो आप ध्यान रखना कि जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर फॉर्मुला है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और अगर आप उधार बेचते हो तो एक समय होगा जिसके अंदर आपको कलेक्ट करना है तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो फॉर्मूला है वह है वन अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो इन टू अगर आप आंसर कलेक्शन पीरियड का आंसर मंथ में देखना चाहते हो तो मंथ और अगर आप डेज में देखना चाहते हो तो क्लास आप मल्टीप्लाई 365 से करोगे अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो आंसर आएगा इन मंथस अगर आप मल्टीप्लाई 365 से करोगे तो आंसर आएगा इन डेज ठीक है दिन में आंसर आएगा और इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करें फॉर्मलो को फॉर्मले को तो आएगा नेट क्रेडिट सेल्स नीचे आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ऊपर आएगा इंटू आंसर मंथ में देखना चाहते हो ट्वेल्व मंथ डेज में देखना चाहते हो तो थ्री सिक्सटी फाइव डेज तो एक ही फॉर्मूला है वो और ये बिल्कुल सेम है ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या, क्या था क्या था नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो ये उसका रेजीव प्रोकल हो गया तो नेट क्रेडिट सेल्स से नीचे आ गया और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ऊपर चला गया ये फॉर्मुला है किसका कलेक्शन पीरियड का कई बार तुम्हें ये गिवन होता है कलेक्शन पीरियड तो तुमको ये निकालना होता है तो भी आप निकाल सकते हो मंथ में कलेक्शन पीरियड दिया है तो इंटू ट्वेल्व डेज में कलेक्शन पीरियड दिया है तो इंटू थ्री सिक्सटी फाइव कोई क्वेश्चन कहता है साल में तीन सौ साठ दिन अज्यूम कर लो अच्छी कैलकुलेशन के लिए तो मल्टीप्लाई थ्री सिक्सटी से करोगे ना कि थ्री सिक्सटी फाइव से लीपियर है तो थ्री सिक्सटी सिक्स से ठीक है तो ये हो गया आपका कलेक्शन पीरियड तो ये फॉर्मल लिख लो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और कलेक्शन पीरियड क्या है अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इनटू मंथ्स या डेज अब चलते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के जितने भी क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन दोनों निकालना है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि क्रेडिट सेल्स बारह लाख है तो ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो का जो फॉर्मूला है वो है नेट क्रेडिट सेल्स जो कि आपको दे रखा है बारह लाख रुपए यानी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल एट द एंड देखो अब इस इस सिचुएशन में एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और अभी बता रहा हूं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मुला भी लिख लो क्लास वो हमने लिखा नहीं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला है ओपनिंग ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग डेटर ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल को ऐड करो क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल को ऐड करो डिवाइड बाई टू ये आगे आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में खाली क्लोजिंग दिया है ओपनिंग आप निकाल ही नहीं सकते तो आपको सीधा

आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया और अब यहां तक कोई डाउट कोई दिक्कत आपको नहीं होगा राइट right? तो अगर इसमें ओपनिंग भी दिया होता तो मैं ओपनिंग डेटर ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल सबको जोड़ता डिवाइड बाई टू करता फिर आता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल उसको नीचे रखता बट यहां पे एवरेज निकालना ही नहीं है क्योंकि क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन है ओपनिंग की है ही नहीं और ना ही ओपनिंग यहाँ निकल सकता है तो ये चीज आप ध्यान रखना इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो में भी और इसमें भी थर्टी एट नेक्स्ट थर्टी एट कैलकुलेट ट्रेड रिसीवल टर्न ओवर रेशियो

तो ओपनिंग कितना होगा तो क्लोजिंग डेटर क्वेश्चन में गिवन भी है क्लोजिंग डेटर कितना है फोर्टी थाउजेंड गिवन है इस ट्वेंटी थाउजेंड को इधर लिया होगे और इस ओपनिंग को उधर ले वो प्लस में हो जाएगा तो ये आ गया ओपनिंग डेटर्स तो ओपनिंग डेटर्स आ गया ट्वेंटी थाउजेंड का राइट ओपनिंग डेटर्स आ गया कितना ट्वेंटी ठीक है तो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि क्लोजिंग ओपनिंग से बीस हजार ज्यादा है और क्लोजिंग फोर्टी है मैं तुमसे तो बोलूँ तुमसे बीस हजार रुपये ज्यादा मेरे पास है और मेरे पास चालीस हजार रुपए है जो तुमसे बीस हजार ज्यादा है इसका मतलब तो तुम्हारे पास तो बीस हजार हुआ ना तो बीस और बीस ज्यादा बीस प्लस बीस चालीस मेरे पास है तो क्लोजिंग डेटर जो है वो ओपनिंग से बीस ज्यादा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे सेम इसी इक्वेशन कोई बच्चा ऐसे लिख सकता था कि जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से बीस ज्यादा है।, है ना ऐसे एक ही बात है जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से बीस ज्यादा है क्लोजिंग चालीस है तो ओपनिंग बीस अपना आप निकल आएगा ठीक है चलो अब ओपनिंग डेटर मिल गया आपको क्लोजिंग डेटर दे रखा है तो आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल या एवरेज डेटर अब रिसीवेबल तो है नहीं तो उसको आप जीरो ही मानोगे तो आप कैसे निकलेगा ओपनिंग डेटर कितना है ट्वेंटी थाउजेंड और जो क्लोजिंग डेटर्स है वो कितना है फोर्टी थाउजेंड फोर्टी ट्वेंटी सिक्सटी बाई टू तो कितना क्लास आ गया आपका थर्टी थाउजेंड गया आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अच्छा अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है नेट क्रेडिट सेल ओके तो जो क्रेडिट सेल्स है वो कैश सेल्स का पच्चीस परसेंट सेल को एक्स मान लिया आपने तो जो क्रेडिट सेल होगा क्रेडिट सेल होगा वो एक्स का पच्चीस परसेंट होगा पच्चीस परसेंट मतलब एक्स बाई फोर लिखो जीरो पॉइंट टू फाइव एक्स लिखो बात बराबर है आप एक्स फाइव फोर भी लिख सकते हो और जीरो पॉइंट टू फाइव एक्स भी लिख सकते हो एक ही बात है वो ठीक है तो कैश सेल को मैंने x मान लिया तो जो क्रेडिट सेल है वो कैश सेल का पच्चीस परसेंट है तो जो भी कैश सेल दे रखा है उसका पच्चीस परसेंट तो कैश सेल जो है वो एक्स है उसका पच्चीस परसेंट बनेगा जीरो पॉइंट टू फाइव एक्स अब एक फॉर्मूला है जो तुम सब जानते हो ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया नहीं बट ये आपको इलेवेंथ से ही पता है और बहुत बेसिक फॉर्मूला है क्या टोटल सेल्स ज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स पता है ना जो टोटल सेल है वो किसके बराबर है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स के और मैंने अभी लिखवाया भी था कि जो क्रेडिट सेल है वो टोटल सेल में से कैश सेल घटाने के बाद आएगा तो अब ये फॉर्मूला बन गया तो कैश सेल हमारे पास क्या है एक्स है यहां सॉल्व करते हैं कैश सेल हमारे पास एक्स है क्रेडिट सेल्स हमारे पास है जीरो पॉइंट टू फाइव एक्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स और क्वेश्चन में टोटल सेल्स दे रखा है डेढ़ लाख का

तो जो क्रेडिट सेल होगा वो ऑब्वियसली कैश सेल का कितना परसेंट है पच्चीस परसेंट है ना तो जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू एक्स कितना है एक लाख बीस हजार तो इंटू जीरो पॉइंट टू फाइव कभी थर्टी थाउजेंड तो क्रेडिट सेल्स जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया थर्टी थाउजेंड क्रेडिट सेल्स है कैश सेल्स वन ट्वेंटी है और टोटल सेल कितना है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड अब आपको निकालना क्या है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जिसका फॉर्मुला क्या है नेट क्रेडिट सेल जो थर्टी थाउजेंड है और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना क्लास आ गया वो भी थर्टी ही आ गया अरे वाह तो ये आ गया क्लास टाइम राइट ये वन एक बार आप भी क्वेश्चन बना लेना क्लास क्योंकि वन टाइम बहुत रेयर आता है मैं देख लेता हूं फिर से कि एक्सिस ऑफ क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग डेटर ओपनिंग से बीस ज्यादा है है ना तो क्लोजिंग बीस ज्यादा है तो ओपनिंग बीस और क्लोजिंग जो है वो बीस ज्यादा है यानी चालीस ये तो आ गया थर्टी ठीक है टोटल सेल जो है 50 और जो क्रेडिट सेल है वो 25% परसेंट है कैश सेल के तो क्रेडिट कैश सेल एक्स हो गया क्रेडिट सेल 25% परसेंट जीरो पॉइंट टू फाइव एक्स दोनों को जोड़ा आपने कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल 150 तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एक लाख पचास हज़ार डिवाइड बाई वन इट्स वन लाख तो एक्स जो है वो कैश सेल है ना वो आ गया क्लास आपका वन तो जो क्रेडिट सेल है वो पच्चीस है इसका कैश सेल का पच्चीस परसेंट है तो एक लाख बीस हजार का पच्चीस परसेंट क्रेडिट सेल आ थर्टी थाउजेंड ठीक है चलो डन है क्लास और जो कैश सेल है वो पच्चीस परसेंट सेल्स के एक्सिस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड फोर्टी थाउजेंड सेल्स देखा है छह लाख बिल्कुल पिछले जैसा ही क्वेश्चन नथिंग चेंज्ड एक लाइन चेंज है पहले क्रेडिट सेल 25 परसेंट कैश सेल का था अब कैश सेल जो है वो है पच्चीस परसेंट क्रेडिट सेल इतना ही अंतर है बाकी कोई अंतर नहीं मैं करके दिखाता हूँ आपको तो सबसे पहले जो कैश सेल है कैश सेल जो है वो पच्चीस परसेंट है क्रेडिट सेल की ठीक है तो हमने अज्यूम कर लिया कि जो क्रेडिट सेल है वो एक्स है तो जो कैश सेल है वो एक्स का पच्चीस परसेंट है एक्स का पच्चीस परसेंट मतलब जीरो पॉइंट टू फाइव एक्स फिर जो टोटल सेल्स है छह लाख दे रखी टोटल सेल ये अज्यूम किया हमने फिर छह लाख देखिए टोटल तो सेल जिसका फॉमला कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल तो कैश सेल तो ये हो गया और क्रेडिट सेल को आपने एक्स माना है तो छह लाख ये आ गया तो इधर इधर डिवाइड बच गया एक्स अब छह लाख को डिवाइड हो गया बनेगा चार लाख तो एक्स आ गई चार लाख और एक्स क्या था क्रेडिट सेल्स तो आपको क्रेडिट सेल्स मिल गया कितने का फोर लाख का पहले इक्वेशन दूसरा दूसरा जो काम करना है आपको तो जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है क्लोजिंग ट्रेड वो कितना देर का आपको एक लाख रुपए का क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल एक लाख का है और एक्सिस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग से चालीस हजार ज्यादा है यानी कि क्लोजिंग ट्रेड जो है वो ओपनिंग चालीस हजार ज्यादा है है ना जो क्लोजिंग ट्रेड रिसिवेबल लाइन पढ़ो ना क्लोजिंग ट्रेड रिसिवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड ट्रेडिव क्लोजिंग ट्रेड रिसिवल एक्सिस है एक्सिस ऑफ क्लोजिंग क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से चालीस हजार तो क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से चल तो क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस चालीस हजार तो क्लोजिंग कितना दे रखा आपको एक लाख इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस उधर तो तो ओपनिंग कितना आ गया तो जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो साठ हजार है तभी क्लोजिंग उससे फोर्टी थाउजेंड ज्यादा है तो सिक्सटी प्लस फोर्टी कितना आ गया आपका क्लोजिंग एक लाख आ गया राइट right? अच्छा अब नेक्स्ट है ध्यान रखना नेक्स्ट है जिसका फॉर्मला नेट क्रेडिट सेल्स जो कि चार लाख है अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एवरेज कैसे निकलेगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, तो लाख अपॉन सिक्सटी प्लस वन वन लाख वन सिक्सटी अपॉन टू एटी तो कितना क्लास आएगा फाइव टाइम्स ठीक है ये आएगा फाइव टाइम्स चलो तो ये आ गया आपका क्लास थर्टी नाइन क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है अगर कलेक्शन पीरियड अगर आपको निकालना तो वन पॉइंट फाइव इंटू ट्वेल्व मंथस में आ जाएगा इंटू थ्री सिक्सटी फाइव डेज में आ जाएगा बट क्वेश्चन पूछा नहीं है यहाँ पे यह वाला हो गया अच्छा ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से समझना कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसिवेबल निकालना है ट्रेड रिसिवल टर्न ओवर रेशियो आ गया थ्री टाइम्स तो ट्रेड रिसिवेबल टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है नेट क्रेडिट सेल्स ठीक है अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आप इसको आगे सॉल्व कर नहीं सकते तो जो कैश सेल है इसमें लिखा भी हुआ है जो कैश सेल है वो वन थर्ड ऑफ क्रेडिट सेल है यानी जो कैश अगर मैं क्रेडिट सेल को एक्स मान लूं क्रेडिट सेल को एक्स मान लूं तो जो कैश सेल्स है वो वन थर्ड एक्स का यानी एक्स बाई थ्री या एक्स इंटू वन बाई थ्री तो क्रेडिट सेल को आपने क्या मान लिया एक्स मान लिया तो जो कैश सेल है वो वन थर्ड ऑफ क्रेडिट सेल्स है यानी कि जो भी क्रेडिट सेल एक्स है उसका वन थर्ड तो कैश सेल आ गया एक्स अपॉन थ्री ये आपको ध्यान रखना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया दो लाख चालीस हजार और जो ग्रॉस प्रॉफिट अब यहां से भी एक चीज निकाल लेते हैं कि जो सीओ जी एस क्वेश्चन दे रखा है आपको वो दे रखा टू लाख फोर्टी थाउजेंड और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो जो जीपी है वो इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है 25 और आपको पता होना चाहिए मतलब तो अब छोटा सा दिमाग लगा लो आप कि कॉस्ट है सीओजीएस है टू फोर्टी और जीपी है सिक्सटी तो सेल्स कितना आएगा कॉस्ट है टू फोर्टी और जीपी है सिक्सटी तो सेल्स कितना आएगा कॉस्ट प्लस जीपी तीन लाख भाई मेरी लागत है दो लाख चालीस हजार रुपए साठ हजार का मुनाफा कमाना है तो बेचू कितने का तीन लाख का अब यहाँ पे टोटल सेल मिल गई आपको तीन लाख जिसका फॉर्मला है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल कैश सेल है एक्स बाई थ्री और क्रेडिट सेल है एक्स अब आप इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री ये एक्स प्लस क्या हो गया थ्री एक्स इज इक्वल टू तो कितना हो गया थ्री लाख तीन इधर भेज दो ये आ गया नाइन लाख ज इक्वल टू भी कितना होगा गया फोर एक्स तो एक्स आ गया नौ लाख को चार से डिवाइड दे दो तो एक्स आ गया दो लाख पच्चीस हजार आपने क्या एज्यूम किया था एक्स क्रेडिट सेल को आपने एक्स एज्यूम किया था तो क्रेडिट सेल आ गया दो लाख पच्चीस हजार ठीक है तो थ्री इज इक्वल टू क्रेडिट सेल कितना आ गया दो लाख पच्चीस हजार अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अब जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वो आ गया आपका सेवेंटी फाइव थाउजेंड आई क्लास बात समझ यहां तक आ गया उसेंड अब ट्रेड रिसीवेबल एट द द एंड वर टाइम्स मोर देन दे बिगनिंग काफी बड़ा क्वेश्चन है मतलब चार नंबर से ही बड़ा क्वेश्चन है पांच छह नंबर तक का प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं कर लेते हैं अच्छा देखो जो क्वेश्चन कह रहा है जो ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड है ना वो तीन गुना ज्यादा है बिगनिंग से ठीक है अगर मैं अज्यूम करता हूं अज्यूम करूं बिगनिंग ट्रेड रिसीवेबल को एक्स तो जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल होगा ना देखो ट्रेड रिसीवेबल द एंड इज तो जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल तीन गुना ज्यादा है बिगनिंग से तीन गुना ज्यादा तो x एक्स बोला तीन गुना है अगर मैं बिगनिंग ट्रेड रिसीवेबल को x मान लू बीजी मतलब बिगनिंग बिगनिंग ठीक है है शॉर्ट में लिखा है, beginning या ओपनिंग को x मान लू तो क्लोजिंग तीन गुना नहीं है थ्री एक्स नहीं है तीन गुना ज्यादा है तो x प्लस थ्री एक्स कुल मिला के जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वो आ गया एक्स प्लस थ्री एक्स तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को अगर मैं x मानता हूं तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 4x है ठीक है और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का जो फॉर्मूला है वो है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई टू तो ओपनिंग क्या है x है और क्लोजिंग क्या है 4x है तो ये हो गया 5 75 फाइव इंटू ये हो गया क्लास आपका कितना वन लाख फिफ्टी थाउजेंड सेवेंटी फाइव इंटू टू टोटल आप कितना आ गया वन लाख फिफ्टी थाउजेंड

अब यहाँ पे देखो दो बार एक्स एक्स अज्यूम कर लिया तो कंफ्यूज मत होना ये जो बीच में कैलकुलेशन किए है ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स को निकालने की कैलकुलेशन है और ये जो या वाइट में लिखा है क्लास ये इसके नीचे का पूरा का पूरा पार्ट है जहाँ पे आपने ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग ट्रेड रिसोबल निकाला और ये पोर्शन जो हमने किया ये सेल्स की कैलकुलेशन का पार्ट है तो इसमें हर एक चीज़ कवर हो गई सेल्स की कैलकुलेशन भी हो गई टोल सेल्स की कैकुलेशन भी हो गई क्रेडिट सेल्स की कैलकुलेशन भी हो गई ट्रेड रिसीवेबल का एवरेज निकाला और ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी निकाल लिया तो एक बार जरूर इस क्वेश्चन को मतलब मैं तुम्हें लगभग साठ क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर में सोचो बुक में लगभग वन ट्वेंटी क्वेश्चन है इस चैप्टर के और मैं तुम्हें सिक्सटी क्वेश्चन करा रहा हूँ यानी कि मैं आधे क्वेश्चन यहाँ पे वीडियोज में करा रहा हूँ स्कूल वाले इस पूरे चैप्टर में दस पंद्रह क्वेश्चन करा के निपटा देंगे मैं साठ क्वेश्चन करा रहा हूँ तो यार क्वेश्चन मैं इनफ करा रहा हूँ सिर्फ आप इन इनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो भी बात बन जाएगी नेक्स्ट अ फॉर्म इक्वल टू मंथ्स ऑफ़ क्रेडिट सेल्स तो जो यहां पे कलेक्शन पीरियड आ गया आपका वो आ गया टू मंथ्स का सेल्स जो है वो साल भर की है सात लाख बीस हजार और बारह महीने की सेल्स है ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आपको निकालना है ठीक है यहाँ पे कहीं भी ओपनिंग की क्लास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं तो जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आएगा वही एट द एंड का ट्रेड रिसीवेबल होगा अब कलेक्शन पीरियड का फॉर्मुला क्या होता है अपॉन ट्रेड रिसीवेबल रेशियो मंथ्स में आंसर आ रहा है आप इसे सॉल्व करोगे टू मंथ्स अपॉन वन इज इक्वल टू मंथ्स अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो तो ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो जो आएगा ट्वेल्व अपॉन टू दैट इज सिक्स टाइम्स तो ट्रेड टाइम्स आ गया और ट्रेड रिसो का क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल्स जो कि सात लाख यहाँ पे एवरेज मत लिखना, या खाली लिखना ट्रेड अकेला ट्रेड है, ट्रेड है ही नहीं तो इसको वही लिखेंगे सोल्व करोगे तो क्लोजिंग ट्रेड रिसल आएगा एक लाख बीस हजार तो यह आ जाएगा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो ये एक बात है जो सी में खासकर आपको ध्यान रखना है मैं हर एक बात यहाँ बता के चलता हूं कि यार जो ट्वेल्थ में है वही अभी सी का बैच चल रहा है बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहां पे भी मैंने बच्चों को क्लास यही बताना है कि यार ये जो चीज है ना ये आप ध्यान रखना क्योंकि मैं कनेक्ट करके चल रहा हूँ साथ साथ क्या भूलो नहीं सी में आता है कई बार ओपनिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो कुछ बच्चे करते हैं क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइड बाई टू कर देते हैं वो नहीं करना अगर ओपनिंग है ही नहीं उसे निकाल भी नहीं सकते छोड़ दो यहाँ पे ठीक है क्या पता नया बिजनेस हो इसलिए ना हो ओपनिंग ट्रेड पेबल बिल्कुल ट्रेड रिसीवेबल जैसा ही फॉर्मूला है ट्रेड ट्रेड पेबल बनते कैसे हैं जैसे ट्रेड रिसीवेबल बनता था नेट क्रेडिट परचेज से तो ये बनेगा नेट क्रेडिट सॉरी ट्रेड रिसीवेबल बनता था नेट क्रेडिट सेल्स ये बनेगा नेट क्रेडिट परचेज वहां पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल था यहाँ पे आएगा एवरेज ट्रेड पेएबल वहां रिसीवेबल था यहाँ पे आएगा एवरेज ट्रेड ये आप ध्यान रखना ये फॉर्मूला बन गया बाकी नेट क्रेडिट परचेज कैसे आएगा टोटल परचेज माइनस करोगे कैश परचेजेस माइनस करोगे परचेज रिटर्न इफ एनी रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड मैंने सामान खरीदा अब मैं रिटर्न कर रहा हूं तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा मुझे कमेंट में बताओ ये करोगे तो क्लास आपके पास आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेज ठीक है दूसरा एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला है एवरेज ट्रेड पेबल इसे एवरेज ट्रेड क्रेटर्स भी कहते हैं ठीक है थेके? इसका फॉर्मूला है ओपनिंग क्रेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइड बाय टू तो इससे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइड बाय टू तो आपको मिल जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल आई होप आपको एवरेज ट्रेड पेबल अच्छे से समझ आ गया अच्छा नेक्स्ट है अगर आप आ, अगर आप क्लास उधार खरीदते हो तो आप पेमेंट पीरियड भी देखोगे पेमेंट पीरियड तो पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला क्या है पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो जैसे एवरेज कलेक्शन पीरियड था वन अपॉइंट ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो उसी तरीके से पेमेंट पीरियड आएगा वन अपॉइंट ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो इनटू अगर आप आंसर मंथ्स में देखना चाहते हो थ्री ट्वेल्व मंथ्स डेज में देखना चाहते हो तो थ्री डेज तो ये आपका क्लास आ गया आपका पेमेंट पीरियड राइट तो ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो ट्रेड रेशियो ये हमने समझ लिया और कलेक्शन पीरियड कलेक्शन पीरियड होता है के के साथ, साथ, होता है है? ठीक लिखो पड़ा पड़ा। वीडियो पॉज करके लिख लेना चलते हैं इसके सवाल के ऊपर अब बिल्कुल सेम ओपनिंग क्रेटर्स ओपनिंग बिल्स पेबल क्लोजिंग क्रेटस क्लोजिंग बिल्स पेबल पर कैश परचेस और परचेस सब कुछ गिवन है इसमें तो टोटल परचेज जो दे रखा है वो है फोर्टीन लाख का उसमें से नगदी कैश परचेज लाख का वो घटा दो रिटर्न हो गया एक लाख का वो घटा दो तो जो नेट क्रेडिट सेल्स है, तो है? अपॉन ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो कैसे निकालोगे तो ओपनिंग क्रेडिटर्स एटी थाउजेंड प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल थ्री थाउजेंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स है वन लाख का

पेबल टर्न ओवर रेशियो कैसे निकालते हैं नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल अगला वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो ध्यान रखना वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला है सेल्स सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी तो वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला है sales, इसको, ratio, मैं तुमको अभी लास्ट में न, जब चैप्टर खत्म करेंगे तो मैं सारे के सारे फॉर्मले एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा ए टू जेड बिगनिंग से एंड तक ए टू जेड सारे फॉर्मले अच्छे से रिवाइज कराऊंगा ठीक है नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में आते हैं शेयर कैपिटल है एटीन लाख ,00 का ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है क्लास किस पे जीपी सेल्स पे थर्टी थ्री वन बाई थ्री मतलब वन थर्ड अगर जीपी सेल्स पे वन थर्ड है तो कॉस्ट पे आने के लिए कम कर देते हैं तो कॉस्ट पे कितना होगा वन टू सर आप ये कर क्यों रहे हो कॉस्ट पे क्यों लेके आ रहे हो क्यों लेके आ रहे हो क्योंकि इस क्वेश्चन में सेल्स है ही नहीं तो मैं जीपी कैसे निकालूंगा इस क्वेश्चन में तो कॉस्ट है क्वेश्चन कह रहा है जीपी सेल्स का वन थर्ड है सेल्स है ही नहीं तो किसका वन थर्ड निकालूंगा मैं पॉसिबल ही नहीं है तो कॉस्ट का करूंगा तो वन टू वन बाई टू तो जीपी जो आएगा वो हाफ है किसके कॉस्ट का यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू रेवरेशन ट्वेंटी फोर लैख तो इस हिसाब से जो जीपी आ गया वो आ गया क्लास ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना क्लास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बारह लाख का तो आप सेल्स निकाल लो तो सेल्स का फॉर्मूला क्या है कॉस्ट प्लस जीपी है ना ये ध्यान रखना सेल निकलता है कॉस्ट प्लस जीपी जीपी निकलेगा सेल माइनस कॉस्ट कॉस्ट निकलेगा सेल माइनस जीपी ये तीनों ना मर्ज है और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं समझना है भाई मेरी कॉस्ट है ट्वेंटी फोर लाख की बराबर प्रॉफिट है बारह लाख ,00 का तो सेल्स कितना आएगा थर्टी सिक्स लाख का आएगा कॉस्ट है ट्वेंटी फोर प्रॉफिट है बारह दोनों को जोड़ा सेल्स आ गया मेरा थर्टी सिक्स फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो सेल्स कितना है थर्टी सिक्स लाख अच्छा सेल्स मिल गया अब हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल है ना तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी तो ये रहा वर्किंग कैपिटल करंट असेट दस लाख माइनस करंट लाइबिलिटी ढाई लाख तो दस में से ढाई गया तो साढ़े सात लाख आपका क्या आ गया वर्किंग कैपिटल आ गया तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करेंट लाइबिलिटी जोन लाख फिफ्टी थाउजेंड अब आप वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो निकालो सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल सेल्स थर्टी सिक्स लाख की अपॉन वर्किंग कैपिटल कितने का सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो थर्टी सिक्स लाख डिवाइड बाई सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड विच इज फोर पॉइंट और इन सबका आंसर टाइम्स में आता है एक्टिविटी रेशियो में सारा का सारा जो आंसर आएगा वो टाइम्स के अंदर ही आएगा तो ये टाइम्स में देखो आ गया शेयर कैपिटल इस क्वेश्चन में गिवन था बट कोई जरूरत उसकी नहीं पड़ी अगेन एक और क्वेश्चन है कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो ट्वेंटी परसेंट है, है ना कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है इन अ कंपनी द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज ट्वेंटी परसेंट दो जीपी है जीपी ऑन कॉस्ट वो कितना है ट्वेंटी यानी कि वन बाई फाइव ठीक ट्वेंटी बाई हंड्रेड विच इज वन बाई फाइव अब इस क्वेश्चन में जीपी भी गिवन है चार लाख तो जीपी कितना है चार लाख जो कि कॉस्ट का कितना है क्लास वन बाई फाइव है तो उधर भेज दो फाइव मंड्रेड तो कॉस्ट कितना आ गया ट्वेंटी लाख ट्वेंटी लाख आ गया सीओजीएस अब कॉस्ट है ट्वेंटी लाख प्रॉफिट है फोर लाख है ना प्रॉफिट है फोर लाख तो सेल्स कितना आएगा सेल्स इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस जीपी तो जी एस आपको देखा है ट्वेंटी लाख का प्लस जो GP है GP वो है क्लास कितना इस क्वेश्चन में फोर लाख ,00 का वो क्वेश्चन में खुद ही देखा है GP फोर लाख तो सेल्स कितनी आ गई ट्वेंटी फोर लाख की सेल्स आ गई सेल्स आ गई चौबीस लाख की अच्छा अब क्वेश्चन में कह रहा है करंट एसेट जो है वो फिफ्टी परसेंट ऑफ द करंट करंट लाइबिलिटी जो है करंट लाइबिलिटी वो 50 परसेंट है किसके करंट अट और करंट है 12 लाख भाई करंट अट 12 लाख का है और करंट लाइबिलिटी 50 परसेंट है करंट अट तो गिवन है 12 लाख और जो करंट लाइबिलिटी है वो करंट का 50 परसेंट है विच इज 6 लाख तो वर्किंग कैपिटल का मामला सी ए माइनस सी एल सी एल आ गया बारह लाख और सी ए बारह लाख आ गया और सी एल कितना आ गया छह लाख तो बारह में से छह गया वर्किंग कैपिटल कितना आ गया आपका छह लाख सो वर्किंग कैपिटल इज रुपीज सिक्स लैख अब आप फॉर्मूला लगा दो वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल सेल्स है ट्वेंटी फोर लैख अपॉन वर्किंग कैपिटल कितना है सिक्स लाख तो आंसर आ गया आपका फोर टाइम्स चार गुना आपका आंसर आ गया यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर का आंसर है फोर टाइम्स राइट नाउ नेक्स्ट फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो जैसा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का वैसे ही फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स तो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, जो fixed assets है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा आप, आ, तो उसे नीचे रख देना, और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसको आप ऊपर रख देना तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर और फिक्स असेट जो है वो नीचे आएगा अब क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है इसमें कैपिटल इंप्लॉयड है ट्वेल्व लाख का वर्किंग कैपिटल है टू लाख का

सोलह लाख तो सोलह लाख को आप अगर फाइव से डिवाइड दे देते हो तो जो जीपी आएगा वो आएगा तीन लाख बीस हजार तो जो कॉस्ट है वो आपका सोलह लाख है जीपी तीन लाख बीस हजार सेल्स कितना आएगा तो कॉस्ट जो है वो है सोलह लाख जीपी है तीन लाख बीस हजार सोलह लाख प्लस तीन लाख बीस हजार तो सेल्स आ गया आपका नाइनटी लाख ट्वेंटी थाउजेंड यह आपकी सेल्स आ गई ओके सेल्स का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अब हमें एक और फॉर्मूला है मैं रेकमेंड करूंगा हर एक बच्चे से है ना मैं चेक भी करूं कॉमेंट्स में आप एक बार कॉमेंट में फॉर्मूला लिखो मैंने आपको पहले बता रखा नया नहीं है पहला आगे भी काम आएगा इसलिए बोल रहा हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट फिक्स एसेट्स नेट फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल जब क्वेश्चन में हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होता जब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं होता है जनरली नहीं होता है तो कैपिटल इंप्लॉइड का फॉर्मूला है नेट फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल तो कैपिटल इंप्लॉयड आ गया बारह लाख का कैपिटल तो अब इसमें वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है एक बार चेक करो दो लाख का गिवन है तो वर्किंग कैपिटल जो हमारे पास आ गया वो आ गया दो लाख रुपए तो वर्किंग कैपिटल कितना आ गया दो लाख रुपए अब इधर भेज दो बारह में से दो गया दस लाख दस लाख आ गया आपका क्या नेट फिक्स्ड एसेट्स तो नेट फिक्स्ड एसेट्स आ गया दस लाख का अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वर्किंग आपको निकालना है फिक्स एसेट टर्न ओवर रेशियो तो सेल्स ऊपर आएगा सेल्स और सेल्स कितना नाइनटीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड सेल्स ऊपर आएगा नाइनटीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड अपॉन वर्किंग सेल्स अपॉन फिक्स असेट तो फिक्स कितना टेन लाख टेन लाख एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच नाइन टू टाइम्स ठीक है वो वन पॉइंट नाइन टू टाइम्स आपका आंसर आ गया ठीक है डन और तो कोई है ही नहीं दिक्कत इस क्वेश्चन में बारह लाख का इधर आएगा दस लाख आ जाएगा और ये आपने निकाल लिया नाइनटीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड ओके okay, बताओ कोई दिक्कत परेशानी मुझे यहां तक मुझे बता दो कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेट नेट देखो बोलो बोलो चाहे कैपिटल एक ही बात है बिकॉज नेट असेट का फॉर्मुला एसेट माइनस लाइबिलिटी है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मुला भी एसेट माइनस लाइबिलिटी तो एक बराबर बराबर सी बात है तो यहां पे भी फॉर्मुला सेम आएगा ऊपर आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऊपर आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और नीचे आएगा क्लास क्या नेट नेट ठीक है? इसका भी किस में आता है? में. पूरे एक्टिविटी रेशियो का आंसर टाइम्स में आएगा पूरे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का आंसर परसेंटेज में आएगा ठीक है लिख लो वीडियो पॉज करके तो हर जगह अगर आप देखोगे ना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर ओवर रेशियो सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल है ना

मैं याद दिलाऊं आपको देखो दिखाता हूं प्लस लॉन्ग टर्म डेट अगर आपको याद हो बैलेंस शीट आप बनाते थे, थे तो बैलेंस शीट में यहां पे आ जाता शेयर होल्डर्स फंड फिर आ जाता नॉन करेंट लाइव्रेड फिर करेंट लाइव्रेड इन सबको जोड़ने पे ही क्या आता था कैपिटल कैपलपेड तो शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल लिपर्ड आ गया शेयर होल्डर फंड कितना है मुझे बताओ एट लाख का लॉन्ग टर्म डेट कितना है मुझे बताओ सिक्सटीन लाख का सिक्सटीन प्लस एट कितना आ रहा है ट्वेंटी फोर लाख सिक्सटीन प्लस एट कितना आ गया आपका ट्वेंटी फोर लाख और जो जीपी है ग्रॉस प्रॉफिट है वो पच्चीस है कॉस्ट के है ना जीपी एट ट्वेंटी फाइव परसेंट कॉस्ट वॉज एट लाख राइट तो जो जीपी है वो किसका है पच्चीस परसेंट है किसका सीओजीएस जी एस का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो पच्चीस परसेंट कॉस्ट है और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आठ लाख आपको खुद ही दे रखा है आठ लाख रुपए तो जीपी की जगह रखो आठ लाख इज इक्वल टू पच्चीस परसेंट मतलब वन बाई फोर टू सीओ सी एस आ गया थर्टी टू लाख तो 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 जो निकलेगी क्योंकि हमें तो sales चाहिए वो cost plus profit है कॉस्ट तो कितनी है लाख लाख और profit कितना दे रखा? 8 तो sales कितनी आ गई आपकी फोर्टी लाख ये sales आ गई अब तुम्हें तो जो निकालना है वो निकालना है नेट असेट कैपिटल इंप्लॉयड या कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो तो सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल सॉरी सेल्स अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड सेल्स कितनी है लाख ,00 की और कैपिटल इंप्लॉयड जो हमने निकाला है वो है 24 लाख ,00 का 24 लाख ,00 तो 40 लाख डिवाइड बाय 24 लाख आंसर इज 1.67 टाइम्स आप पेपर में जब भी आप ये निकालो रेशियो तो प्लीज फार्मूला लगाकर ही निकालना कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला लगा के ही निकालना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय राइट तो फॉर्मूला लगाकर ही निकालना आप और ये सारा का सारा अभी तक जो करा वो सब के सब क्लास आपके एक्टिविटी रेशियो के अंदर छह रेशियोज ये लास्ट के दो रेशियो नए ऐड हुए हैं जो कि लास्ट टू इयर्स से सीबीएसई पूछ रहा है आज के लिए बस इतना ही आज काफ़ी कुछ पढ़ लिया हमने अब हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बचा है जिसे नेक्स्ट टू क्लासेस में आराम आराम से खत्म कर देंगे फिर मैं ट्राई करूंगा एक बार सारे के सारे फॉर्मू लेकर एक बार औरली अच्छे से रिविजन भी करा दूंगा और आप कोशिश करना कि रेशियोज तो अच्छे से पढ़ लो अगर आपको रियल में आगे बहुत हेल्प लेनी है तो ये चैप्टर अभी ख़त्म कर लो सी में भी ना सी के अंदर भी आपके बी में भी आपके सी में भी हर जगह ये चैप्टर काम आएगा भले ही वेटेज कम है आगे ये सोलह सोलह नंबर के क्वेश्चन आते हैं बी के अंदर इसके फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली तो प्लीज यहां तक पढ़ के आना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई डाउट कोई सेक्शन बताना मुझे सेक्शन में लिख कर लो या कॉपी पेन से लिख के कर लो या और कर लो बट लोटिजन जरूर करते चलो नहीं तो फार्मले का पूरा पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा आपके ऊपर फिर आपको दिक्कत होगी ठीक है मिलते हैं